तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस है जो हमने स्टार्ट किया वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके चलो, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। तो लेट सपोज कि आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, आप सपोज करो कि आपके पास क्वेश्चन जो है क्या है, तो एक क्वेश्चन है आपके पास क्या, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों को हमने क्या बताया, जब भी ये क्वेश्चन आए क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके बदले आप लेट कर लो। और लेट करेंगे क्या, लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2, -1/√2 है ना, तो -1/√2, ठीक है। अब जब इतना कर लिया तो इस कॉस इनवर्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा। अब क्या होगा, कॉस थीटा बराबर अगर तुम लिखना चाहो तो -1/√2, यार याद करो, अगर माइनस को तुम कॉमन ले लो, याद करो एक बार, -1/√2 सीधा 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस के किस वैल्यू के लिए होता है, तो कॉस पाई बाई फोर के लिए होता है ना, कॉस पाई बाई फोर के लिए, बस सिंपल सा चीज। अब क्या, यहाँ देखो, अगर इसको करोगे तो -π/4 आएगा, लेकिन क्या -π/4 इसके रेंज में है, इसका रेंज क्या था, 0 से π था, क्लोज इंटरवल 0 से π था, तो क्या 0 से π के बीच में है -π/4, नहीं है। मीन्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा क्या, इस तरीके से, cos थीटा आपने 11th में पढ़ा होगा, cos पाई -π/4, ठीक है, पाई -π/4, ओके। अब इतना करोगे तो क्या होगा आपका, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कॉस 3π/4, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर 3π/4 लिख सकते हो, थीटा बराबर 3π/4 जो कि बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π, सो 0 से π, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या, 3π/4, सिंपल सा चीज, समझ आया, कितना आसान है ना। तो बस इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके आ जाओ आगे, एक और एक दो और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके हाँ जी, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू मीन्स वैल्यू आपको फाइंड करना है, वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों को तुम मान लो, क्या मान लो, लेट कर लो, लेट थीटा 1 बराबर क्या, टेन इनवर्स 1, ठीक है, टेन इनवर्स 1, फिर यहाँ पे लेट कर लिया, लेट थीटा 1 बराबर टेन इनवर्स 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा टेन थीटा 1 बराबर टेन इनवर्स, सॉरी टेन तो नहीं ना, टेन इनवर्स तो खत्म हो गया, थीटा 1 बराबर क्या मिलेगा बताओ बच्चा पार्टी, तो 1 मिलेगा, थीटा 1 बराबर 1 मिलेगा। अब यहां से क्या होगा, टेन थीटा 1 बराबर 1, 1 किसका वैल्यू, तो टेन पाई बाई 4 का वैल्यू, टेन पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 इसके रेंज में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, टेन में, तो पता है ना टेन का रेंज क्या होता है, -पाई बाई, क्लोज ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो थीटा 1 बराबर क्या आया, पाई बाई 4 आया, ठीक है, जो कि क्या करेगा, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक, सो या फिर देयर फोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा थीटा 1 लिख दो, ठीक है, थीटा 1 सीधा लिख दो, हो गया, ठीक। तो थीटा 1 ये आया। अब ये वाला टर्म, कॉस इनवर्स -1/2, तो लेट कर लो फिर से, लेट थीटा 2 बराबर क्या, कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, लेट कर लिया हम लोगों ने, कर लिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या आएगा, ध्यान से देखना, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 बराबर क्या आएगा,
माइनस वन बाई टू आएगा, ठीक है। कॉस थीटा टू बराबर माइनस वन बाई टू आया, तो यहां से तुम बोल सकते हो कॉस थीटा टू बराबर कॉस या फिर माइनस कॉस पाई बाई, क्या किस वैल्यू के लिए, कॉस के किस वैल्यू के लिए वन बाई टू होता है, तो पता है ना पाई बाई थ्री के लिए वन बाई टू होता है, याद है ना बच्चा। तो कॉस थीटा टू बराबर माइनस कॉस पाई बाई थ्री, लेकिन उसके रेंज में नहीं है, कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है, जीरो से पाई होता है, लेकिन ये माइनस पाई बाई थ्री आ रहा है, नहीं है रेंज में। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो कॉस थीटा टू बराबर माइनस, माइनस नहीं यार, कॉस थीटा टू बराबर क्या, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, इस तरीके से कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बोलो कर सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा टू बराबर कॉस टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, तो मीन्स थीटा टू बराबर क्या आया, टू पाई बाई थ्री आया। अब ये टू पाई बाई थ्री क्या बिलोंग कर रहा है रेंज में, हाँ तो कर रहा है, तो लिख दो बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, सिंपल सा चीज, ठीक है। अब जब इतना हो गया, थीटा टू आ गया, अब देखो अब क्या करेंगे, इस वाले का, इस वाले का इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे थीटा थ्री, लेट थीटा थ्री बराबर साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो साइन थीटा थ्री बराबर माइनस वन बाई टू क्या आ गया, साइन थीटा थ्री बराबर साइन माइनस वन बाई टू के जगह पे क्या, पाई बाई सिक्स, माइनस पाई बाई सिक्स, साइन माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। हाँ माइनस पाई बाई सिक्स बिलोंग कर रहा है, तो बस थीटा थ्री बराबर माइनस पाई बाई सिक्स, क्यों, क्योंकि यह बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक। अब देखो अब यह आपका, इसको आपने थीटा वन माना, इसको आपने थीटा टू माना, इसको आपने थीटा थ्री माना, सब प्लस में है, तो यही ना थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, यही कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो थीटा वन कितना, तो यह वाला पाई बाई फोर, थीटा वन कितना पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर प्लस थीटा टू कितना, तो थीटा टू भी यहाँ पे निकाल रखे हो ना, कितना है टू पाई बाई थ्री, तो टू पाई बाई थ्री प्लस थीटा थ्री कितना माइनस पाई बाई सिक्स, तो माइनस पाई बाई सिक्स, सिंपल सा चीज। अब क्या आया यहाँ पे बताओ बच्चा पार्टी, तो यहाँ आ गया पाई बाई फोर प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, एलसीएम कितना होगा, देखो फोर का थ्री का सिक्स का एलसीएम कितना होगा, टू टू जा फोर, थ्री वैसे ही टू थ्री जा सिक्स, फिर थ्री से टू वन, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है ट्वेल्व आया, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री पाई आया, प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर टू जा एट पाई आया, माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व मीन्स टू पाई आया, क्या आ गया, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह में से दो गया नौ, मीन्स नाइन पाई बाई ट्वेल्व, नाइन पाई बाई ट्वेल्व मीन्स थ्री 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 जा नाइन और थ्री फोर जा ट्वेल्व, मतलब क्या हो गया थ्री पाई बाई फोर हो गया, थ्री पाई बाई फोर हो गया, ठीक है यह आपका आंसर, ठीक थ्री पाई बाई फोर जो है आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है चलो समझ आया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आई थिंक अब जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो साइन इनवर्स माइ वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टेन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, ठीक है,
थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बस और देखो और कुछ प्रॉपर्टीज है। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये तो देखो, सब में माइनस माइनस लगाना, अब माइनस माइनस नहीं लगेगा। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये क्या होगा? कॉस एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका, ओ माय गॉड, गलती हो गया ना। चलो, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे क्या? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक। अगला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब एक्स के जगह पे क्या कुछ भी हो सकता है? राम सीता गीता कुछ भी। तो यहाँ पे एक्स जो है ना, थीटा जो है ना, सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई टू होगा, ठीक है। उसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? पाई बाई टू होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आ जाओ। कितना प्रॉपर्टीज हुआ था? तो टोटल 11 हुआ है, 12। प्रॉपर्टी नंबर 12, अगर आपका कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स है तो यह अभी क्या होगा? पाई बाई टू होगा, सिंपल सी चीज। चलो समझ आया, क्लियर है, मजा आया। चलो और प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ देखते हैं। फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला है 13 नंबर, और ये सब जो है ना आगे भी यूज होगा। क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा? तो याद रखना, टेन इनवर्स प्लस है तो एक्स प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई, सिंपल सा चीज। लेकिन वही अगर माइनस होता इस तरीके से, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ठीक है। अगला, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? तो ये होगा, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? तो साइन इनवर्स, तीन वो फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। साइन के टर्म में एक होगा, कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर / 1 + x², ठीक है। एक और होगा टेन इनवर्स, टेन के फॉर्म में 2x/1 - x², तो तीन को फॉर्मूला होगा टू टेन इनवर्स एक्स का। ये सभी किसका फॉर्मूला है? टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। यह भी किसका फॉर्मूला है? तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। समझ आया, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ, टोटल 15 फॉर्मूला हमने देखा, 15 प्रॉपर्टीज देखा। अब इसी 15 प्रॉपर्टीज पे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू
टेन वर्स 3/4, सो डेट प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ठीक। मीन्स टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4 होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो ये है आपका एल एच एस, एल एच एस आर एस एस समझते हो ना, एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड ठीक है। तो एल एच एस और आर एच एस आपको ध्यान में रखना है, ये आपका एल एच एस है, ये आपका क्या है एल एच एस है ठीक है। तो एल एच एस पे ध्यान दो, जो हमारा एल एच एस है ना, तो एल एच एस बराबर क्या है, तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 ठीक है। तो ये हमारा एल एच एस है। अब जो एल एच एस आया ना, एल एच एस पे ध्यान दिए हम लोग, और इसका क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला ध्यान से देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे का 1 - xy, यही होता है फॉर्मूला, बस अप्लाई कर दो। तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स क्या, तो 1/2, 1/2 प्लस वाई क्या, तो 2/11 बटे का 1 - xy मीन्स 1/2 × 2/11। इस तरीके से क्या हो गया हमको मिला, टेन इनवर्स 2 और 11 का एलसीएम 22 ठीक है। यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 नहीं मिलेगा ना, बट्टे का बड़ा सा बट्टा, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 1 - 2/22 ठीक है। तो क्या हुआ बताओ यार, ये हुआ। अब यहाँ क्या हो गया, टेन इनवर्स 11 और 4 = 15 / 22 बड़ा सा बट्टा 22 - 2 / 22 ठीक है। तो क्या मिला, इस 22 से इस 22 को कट कर सकते हैं, हमको मिला क्या, हमको मिला टेन इनवर्स 15 / 20। यार 15 ऊपर 22 में से 2 जाएगा 20। अब इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 3/4, 5 से कट कर दो, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 ठीक है। तो 3/4 इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस के बराबर है, हेंस प्रूव प्रूव्ड हो गया ठीक है। समझ आया, देखो टेन इनवर्स 3/4 ही प्रूव करना था, तो बस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। फील आया, मजा आया कि क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। ला 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 ला, एक क्वेश्चन करते हैं और ठीक है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स, कॉस एक्स बाई टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 1 - sin x, यह आपका क्वेश्चन है। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो टेन इनवर्स को आप टेन इनवर्स रहने दो, टेन इनवर्स को तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चेंज करना होगा कॉस को, तो कॉस एक्स के बराबर आप क्या लिख सकते हो यार, फॉर्मूला पता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 - sin² x/2 लिख सकते हो, बड़ा सा बट्टा 1 - sin x को क्या लिख सकते हो, 1 के बदले तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 + sin² x/2 1 के बदले, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 - 2 sin x/2 × cos x/2 ये तुमने मान लिया ठीक। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे बच्चा, टेन इनवर्स ऊपर में क्या लिख सकते हो, कॉस
एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ये चीज फिल कर पा रहे हो। ये क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहां से ए ओ कट जाएगा, कट गया, क्या बचा आपका, तो आपका बचेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे का कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इस तरीके से बचेगा, बचा ना, बोलो हाँ या ना। अब क्या यही चीज ना आपका ये वाला होता है, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा ना, ऊपर वाला जो है क्या है आपका बेसिकली, अगर कॉस से डिवाइड कर दोगे तो ये इसी तरीके से आएगा ना, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, नीचे आएगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये इस तरीके से आएगा, तो इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इस तरीके से लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। अब टेन इनवर्स टेन खत्म होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, सिंपल सा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आएगा, बस यही तो आपका आंसर है। फील आया, मजा आया कि क्लियर है, चलो वेरी गुड, क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिसको कि मैंने नहीं बताया, ये आसान सा मेथड है, फॉर्मूला पे बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। ओके, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कहीं पे तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, आ जाओ, ठीक, तो ये आपका, ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट कर लो, लेट क्या लेट करोगे, एक्स बराबर टेन थीटा, क्या मिलेगा आपको, टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मिलेगा, यहाँ पे देखो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मतलब थीटा के बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक। चलो अब यहाँ पे पुट कर दो ऊपर वाले में, टेन इनवर्स थ्री एक्स, थ्री के जगह पे टेन, एक्स के जगह पे टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे का वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से क्या मिला, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे का वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बताओ, तो टेन थ्री थीटा के बराबर होगा, ये फॉर्मूला टेन थ्री थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ पे मिला थ्री थीटा। अब थ्री थीटा मीन्स थ्री, थीटा के जगह पे क्या टेन इनवर्स एक्स, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स, बस ये आपका आंसर हो गया, समझ आया, क्लियर है, चलो समझ आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। चलो एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अगर क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, ठीक है, इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो कैसे होगा प्रूफ, प्रूफ कैसे होगा, देखो टू टेन इनवर्स वन बाई टू है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला जानते हो ना, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन के फॉर्म में, तो पता है ना टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह वाला फॉर्मूला याद है ना, बस इसको अप्लाई कर दो, क्या होगा यहाँ पे टेन इनवर्स टू एक्स मीन्स टू इंटू एक्स के जगह पे वन बाई टू बटे का
वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स के जगह पे क्या वन बाई टू, तो वन बाई टू का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, अब क्या मिला यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा टेन इनवर्स, टू से टू कटेगा, ऊपर बचेगा वन, नीचे बचेगा 4 - 1, 3/4, 3/4 मिला प्लस टेन इनवर्स 1/7 मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 ऊपर चला जाएगा मीन्स टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ऐड कर दो आप तो क्या होगा, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे का 1 - 4/3 इंटू 1/7, इस तरीके से होगा, होगा ना। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ होगा टेन इनवर्स 21, 3 7 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21, 3 यहाँ होगा 7 3 जा 21 माइनस 4/21, इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, तो ट्वेंटी एट प्लस 3 क्या होगा 31, तो टेन इनवर्स 31/21 बटे का 21 - 4 कितना होगा, 21 में से 4 जाएगा कितना होगा यार, 17, 17 होगा ना, 17 बटे का नीचे में क्या है 21 है, तो 21 लिख दो 21। ठीक है, इस 21 से इस 21 को कट कर सकते हैं, क्या मिला हमको, तो हमको मिला टेन इनवर्स 31/17 इक्वल टू RHS, जो कि RHS के बराबर है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यार फॉर्मूला याद रहेगा आपसे, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स, कॉस 13π/6 बराबर व्हाट, तो तुम बोलोगे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, तो ठीक है कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, 13π/6 आंसर। तो नहीं यार, क्या 13π/6 जीरो से पाई के बीच में है, नहीं है, रेंज में नहीं है, तो रेंज में होना चाहिए ना। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस इसको तोड़ना है, 13π/6 को तोड़ना है, तो एक बात बताओ, अगर हम लोग सुनो, अगर हम लोग पाई में से घटाते हैं कुछ, ठीक है, या फिर पाई प्लस 5π/6 कर देते हैं, नहीं 5π/ नहीं, ये होगा आपका 8π, अरे यार कितना होगा, 6 और 3 से 6 गया 7, 7π/6 कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि यार पाई प्लस 7π/6 ठीक है, पाई प्लस 7π/6, पाई में कुछ ऐड हो रहा है यार, तो कॉस कब कब पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए था ना, कॉस कब कब पॉजिटिव होता है ये तो पता है ना, कॉस जो है कब कब पॉजिटिव होता है, तो क्वाड्रेंट आपको पता है, इस तरीके से आपका क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें जो है ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और सेक और साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये यार एक बात बताओ, अगर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 2π हुआ, ये आपका π/2 हुआ, ये आपका पाई हुआ और ये आपका 3π/2 होगा। ठीक है, अगर हम लोग पाई में पाई π/2 में से कुछ घटाएंगे, π/2 में से कुछ घटाएंगे तो इसमें आएगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है मीन्स कि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर पाई में से कुछ घटाएंगे तब तो यहाँ पे भाई साहब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे तो कॉस पॉजिटिव होगा नहीं, तो रेंज में होगा नहीं, अगर 3π/2 में से घटाएंगे फिर भी नहीं होगा, अगर 2π में से घटाएंगे तो हाँ सर 2π में से घटाएंगे तो ये इधर ही कुछ होगा, कुछ ना कुछ इधर ही होगा, तो इधर होगा तो हाँ कॉस पॉजिटिव होगा, या फिर 2π में प्लस करेंगे तो ये इधर होगा कुछ, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, समझे। तो हम लोग कॉस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 2π - थीटा कर सकते हैं, 2π+थीटा कर सकते हैं, या फिर π/2 - थीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2π, ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2π + π/6 इस तरीके से। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे, कॉस इनवर्स, कॉस 2π + π/6, 2π + थीटा, कॉस 2π + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा मीन्स कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, π/6 हो गया, π/6 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो क्लोज इंटरवल 0 से π, तो हेंस इतना बराबर, हेंस देयर फोर कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 बराबर π/6 हो गया आंसर। फील आया, मजा आया, क्लियर है, चलो आगे बढ़े। सर आगे बढ़िए, ओके। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो, क्या है साइन इनवर्स 8/17, प्लस साइन इनवर्स 3/5, इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। ये आपका क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 77/36, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे इसमें, तो यार आपको पता है ना, साइन को हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे तो पता है ना, अपने बचपन में पढ़ा होगा ये वाला, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपका हाइपोटेनस, ये थीटा अगर है तो ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहीं से चेंज कर देंगे, पी दिया हुआ है हमें, सम पीपुल है मीन्स पी दिया हुआ है हमें 8 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, तो बेस नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे तो बस चेंज कर देंगे। चलो डायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या होगा बताओ, 17 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, तो 17 - 8 कितना होता है, 9 इंटू 9 इंटू 17 + 8 कितना होता है, 25, क्या आया, तो 3 इंटू 5 आएगा, ये मीन्स 15, तो बेस आ गया आपका 15। ठीक है, तो क्या हुआ, बेस अगर 15 आ गया तो क्या होगा, 10 टाइटली पुल बैक, P/V, P कितना 8/15 प्लस, यहाँ पर भी उसी तरीके से 10 इनवर्स 3/5 है, तो मीन्स पी जो है 3 है, एच जो है 5 है, बी कितना होगा, तो बी आर उसी तरीके से 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4, बी आएगा 4, मीन्स 10 टाइटली P/V, पी कितना, तो 3/B कितना 4, 3/ ठीक है। अब बस भाई LHS बराबर ही ना हम लोग कर रहे हैं, LHS बराबर क्या, तो इतना, तो LHS बराबर इतना आ गया 10 के फॉर्म में। अब फॉर्मूला तो याद ही है, क्या होगा, 10 इनवर्स 8/15 + 3/4 / 1 - 8/15 × 3/4, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 15 और 4 का LCM 60, 8 4 = 32 + 15 4 = 60, 4 से 60 60 को काटोगे 15 15 3 = 45, ठीक है, बटेगा 15 4 = 60 - 8 3 = 24/60, ठीक है, क्या होगा, ओह माय गॉड, इस 60 से इस 60 को कट कर सकते हैं, ठीक है, 10 वर्स 7 + 4 = 7, 77/60 - 24 कितना होगा, 6, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा आपका, हाँ 5 में से 2 गया 3, 36, ये प्रूफ करना था क्या, हाँ, ये किसके बराबर है, देखो ना,
ये 77/36 ही ना, 10/77/36 बस इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। फील आया? ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन जो कि आपका चैप्टर 5 है, ठीक है। चलो 3-4 मिनट का ब्रेक आपको हम दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। ओके। चलो आ जाओ, ब्रेक ले लिया ना आपने, वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले सकते हो आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और ब्रेक ले लो। ओके, बाद बाकी कोई दुविधा कष्ट नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, हाँ तो सर डिफरेंशिएशन में हम लोग आ जाते हैं। ठीक, इनवर्स जिओमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप बना के आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना यार, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है यह। डिफरेंशिएशन में हम लोग पहले फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला देखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है यार। फॉर्मूला कहाँ गया? डिफरेंशिएबिलिटी आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस आ गया, फॉर्मूला अभी तक नहीं आया। ओह नो, लगता है खुद से बताना होगा हमको। हमी से चुरा लो, हम अकेले हो न जाए, दिल में कहीं तुम बसा लो। अच्छा हाँ, कंटिन्यूटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को जरूरत नहीं है कंटिन्यूटी का यार, ठीक है। कंटिन्यूटी का जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है किसी कांस्टेंट का, डी बाई डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। सेकेंड में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। थर्ड डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का क्या होता है? ई का पावर एक्स होता है। फोर्थ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एट बेस ई का पावर एक्स। एट बेस ई, एट बेस ई करने का मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही 1/x होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा, सॉरी कॉस एक्स होगा ना। डी बाई डी एक्स क्या होगा? कॉस एक्स होगा, याद रखना। डी वाई डी एक्स सॉरी कॉस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स, ठीक। उसी तरीके से आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स,
अगला डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी कॉट एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ये चीज हो गया, माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। आगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला डी वाई डी एक्स कॉट एक्स, डी वाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरीके से आगे डी वाई डी एक्स साइन वर्स एक्स, ठीक है साइन वर्स एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से क्या होगा डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे क्या होगा डी वाई डी एक्स टेन वर्स एक्स, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं तो क्या होगा डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगला डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 16 नंबर, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस वन बाई, माइनस वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, बस फाइनल, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस पे हम लोग चलते हैं, आ जाओ। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है पता है आपको, कुछ नहीं, बस आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको जो है ना गिवेन होगा, जो आपको गिवेन होगा इक्वेशन, बस उस इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए आपको, ठीक है। जो इक्वेशन आपका गिवेन होगा उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आ जाओ, जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई बराबर पाई, क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स माइनस वाई बराबर पाई, एक्स माइनस वाई के बराबर पाई को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक, कैसे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स, इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डी पाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, वन होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो वही रह जाएगा। आपको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स ही फाइन करना है ना, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये आपको फाइन करना है,
इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर डीवाई बाई डी एक्स लिखना चाहो तो क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, वन होगा। बस सिंपल सा चीज, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, इफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इक्वल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। सिंपल सा चीज, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा, प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी साइन वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई इंटू क्या, फिर वाई जैसे ही ऊपर गया डी वाई ऊपर नीचे डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सिंपल चीज, डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा, वन प्लस साइन वाई हो जाएगा, वन प्लस साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। चलो जब ये हो गया तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स बट्टे का वन प्लस साइन वाई, आंसर हो गया, बस सिंपल सी। अच्छा एक चीज छूट गया ना आपको, टोटल चार जो है ना, टोटल कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पहला रूल, पहला रूल कौन सा, सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल में क्या होता है, आपका जितना भी फंक्शन होता है वो आपको ऐड में दिए रहते हैं, सब्ट्रैक्ट में दिए रहते हैं, उसको आपको क्या कर देना है, सिंपल आपको एक साथ डिफरेंशिएट कर देना। कैसे, तो लेट सपोज कि आपको यू दिया हुआ है, यू प्लस वी प्लस डब्लू, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, वाई बराबर यह दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट, मीन्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस तरीके से। ये पहला रूल, माइनस है तो प्लस, प्लस के जगह पे माइनस हो, सभी टर्म जितना भी टर्म है सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, यू अलग टर्म, वी अलग टर्म, डब्ल्यू अलग टर्म, सब अलग अलग टर्म था सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आपका क्या, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आपका फंक्शन जो है वाई बराबर जो है, आपको कोई भी दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, कितना भी फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में दिया, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मीन्स जैसे यू इंटू वी दिया हुआ है, ठीक है, दो ही फंक्शन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, चलो तीन फंक्शन भी रहेगा तो सेम प्रोसेस होगा, तो यू इंटू वी दिया हुआ है, तो सिंपल सा आपको डीवाई बाई डी एक्स जब निकालना हो, जब आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या होगा, यू का पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यू का डिफ्रेंसिएशन पहले, ए ओ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओ को छोड़ेंगे, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इनटू भी को छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, देखो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे यू का किए थे, यू को छोड़ेंगे, भी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिसका नहीं किए थे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगर डब्ल्यू रहता तो यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू रहता तो क्या होता, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता बच्चा, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू भी इंटू डब्ल्यू प्लस यू वैसे ही रहता, डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू भी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, बस सिंपल सा चीज, इस तरीके से, ठीक है। एओ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, एओ का करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, समझ में आया, फील आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार आपका डिफ्रेंसिएशन होगा, ओके बच्चा पार्टी। अब देखो ये आपका हो गया, ठीक, अब थर्ड रूल जो है आपका क्या आता है, तो तीसरा रूल आपका है कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल जस्ट आपका डिवाइड रूल होता है, मींस जैसे कि वाई बराबर है, वहां पे यू इंटू भी दिया था ना, यू और भी मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यू बाई भी होगा, मींस डिवाइड में होगा, तो जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर जो डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर में भी है तो भी का स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, भी का स्क्वायर, अब नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान दो
वहां पे किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़े ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स, फिर लगाएंगे माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाला यू छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मीन डी वी बाई डी एक्स इस तरीके से। और जब डिवाइड होगा तो दो ही चीज का डिवाइड होगा ना, तो इसमें हमेशा यू बाई वी ही लगेगा। ठीक है, ये दो तीन रूल हुआ। अगला रूल ध्यान से देखो, अगला रूल है आपका फोर्थ रूल, चेन रूल। चेन रूल, चेन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से चेन बनते हुए जाता है। तो चेन में क्या होता है आपका कि जैसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y बराबर कोई सा भी फंक्शन, जैसे कि क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है आपको, हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएं या फिर किस तरीके से बताएं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि y बराबर साइन ई का पावर एक्स, वाई बराबर साइन ई का पावर एक्स निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, फाइंड बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने को बोल रहा है, लेकिन आपको क्या फाइंड करने को बोला है, चलो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन आपको पता है ना यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स रहता तब हम लोग फॉर्मूला जानते थे तो अप्लाई कर देते डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता, लेकिन यहाँ पे तो ई का पावर एक्स है। ठीक है कोई बात नहीं, तो डी वाई वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे डी साइन e का पावर एक्स बटे का, आप देखो साइन एक्स रहता ठीक है, लेकिन साइन एक्स नहीं है, जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस e का पावर एक्स है, तो e के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। जैसे e का पावर एक्स आया यहाँ पे e का पावर एक्स ऊपर भाग जाएगा, डी e का पावर एक्स बाई नीचे में क्या डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि e के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं उसके रिस्पेक्ट उस एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जिसका नहीं जानते हैं उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो जैसे e के पावर एक्स का साइन e के पावर एक्स का नहीं जानते थे तो e के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, जैसे e का पावर एक्स लिखे e के पावर एक्स ऊपर भागा नीचे में डी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू साइन ई के पावर एक्स का क्या होगा, कॉस ई का पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स फाइनली क्या आया आपको, तो डी वाई डी एक्स आ गया ई का पावर एक्स इंटू कॉस ई का पावर एक्स, बस सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका चेन रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, फाइंड डी वाई डी एक्स निकालना है, सब में डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू डी साइन वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 3y बाई डी एक्स बराबर डी साइन वाई, डी साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा 2x का 2 होगा प्लस 3y का क्या होगा, तो डी 3y है ना, चलो 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया, यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, सिंपल सा चीज। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या होगा, डी साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाओ मीन्स 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 2 को उधर भेजोगे माइनस 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा 3 माइनस कॉस वाई मिलेगा इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस 2 बाई 3 माइनस कॉस वाई। ठीक है, अब चलो तुम थोड़ा सा इसको सजा के इस तरीके से लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस को कॉमन ले लोगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे में आपका साइन चेंज हो जाएगा मीन्स कॉस वाई आगे आ जाएगा, कॉस वाई माइनस 3, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग सीखेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पुटिंग गेटिंग का सवाल होता है, वाई बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, y बराबर साइन वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है साइन वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले, तुम क्या लिख सकते हो, टेन वर्स एक्स, टू टेन वर्स एक्स, ये लिख सकते हो, y बराबर टू टेन वर्स एक्स लिख सकते हो ना, बोलो, बस y बराबर टू टेन वर्स एक्स लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो टू कॉन्स्टेंट बाहर, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, सिंपल सा चीज। यहाँ क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू क्या होगा, डी टेन इनवर्स एक्स क्या होगा बताओ, डी टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो हाँ तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा यार, याद है ना, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा चीज, ठीक है, फील आया, बस ये हो गया, ठीक। देखो मजा आया ना, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन क्वेश्चन है, वाई बराबर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपका क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। एनी आइडिया बच्चा पार्टी, कोई आइडिया है आपको, कॉस के फॉर्म में रहता तब तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे साइन के फॉर्म में है। बताओ बच्चा, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि यार बहुत तो हमको हमेशा छुड़ा लो, हम अकेले को न जाए, दिल में कहीं तुम बसा लो, हमको हमेशा छुड़ा लो, दिल में कहीं तुम बसा लो, हम अकेले को न जाए।
चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आराम कर लिए, रेस्ट कर लिए, पानी वानी पी लिए आप लोग। चलो आ जाओ, स्टार्ट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे पुट करना हो। यार क्या हो गया ये। हाँ तो बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपको पुट करना होगा। क्या पुट करना है? कितना नंबर था ये? एनसीईआरटी का 11 नंबर है ना। पुट कर दो यहाँ पे। पुट एक्स बराबर टेन थीटा, पुट एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। याद रखना, पुट एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। चलो ये चीज हो गया। अब वन माइनस टेन स्क्वायर बटे का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बताओ यार? वन माइनस टेन स्क्वायर बटे का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बताओ? कोई बता सकते हो? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई बता सकता है? नहीं। चलो देखो क्या होगा, तो वाई बराबर साइन वर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा के बराबर होता है। वाई बराबर साइन वर्स कॉस टू थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाई बराबर साइन वर्स कॉस टू थीटा के जहाँ पे क्या पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। इस तरीके से यार, इस तरीके से साइन वर्स साइन कॉस टू थीटा के बदले क्या लिख सकते हो? पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ठीक है, क्योंकि यह जो है कॉस टू थीटा के बराबर ही होता है। तो वाई बराबर आपको क्या आया? तो वाई बराबर बच्चा पार्टी आपको आ गया पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ठीक है, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किए, फिर जाके हम लोग बनाएंगे। तो वाई बराबर पाई बाई टू का पाई बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा के बदले क्या आया था हमको? टेन इनवर्स एक्स आया था। देखो ना ऊपर में, थीटा बदले हमको क्या आया था? टेन इनवर्स एक्स आया। तो बस टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाई टू डी पाई बाई टू बटे का डी एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर डी टेन वर्स एक्स बटे का डी एक्स। इस तरीके से ठीक है, क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू जीरो माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स क्या आया आपको आंसर? माइनस टू बाई
वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है। बोलो बच्चे फिल आया, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पे है। क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस पे है ये हमारा आगे का। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें। अरे यार आयोटा वाला इसमें भी है, छोड़ बैठा, क्या मतलब आयोटा से? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल में तो आप जानते हो डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका हो। ठीक, और बात रहा लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शंस में कैसे होता है? तो याद रखना लॉग एट बेस ए, लॉग पी एट बेस ए रहेगा तो क्या होगा? ये इस तरीके से होगा। नहीं यार ये तो मजा नहीं आया, इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है आ जाओ, देखो क्या होगा। पहला लॉग एम इंटू एन होगा, कितना भी एम इंटू एन या फिर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू कुछ भी। ठीक है, तो क्या होगा? सब अलग अलग प्लस में हो जाए, मीन्स इस तरीके से लॉग एम प्लस लॉग एन इस तरीके से हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो इस तरीके से हो जाए। ठीक है, अगर लॉग एम बाई एन होगा तो क्या होगा? उसी तरीके से लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर लॉग एम का पावर एन होगा, ठीक है, तो क्या होगा? एन आगे आ जाएगा और लॉग एम हो जाएगा। उसी तरीके से आपका एक और लॉग एट बेस ए, ठीक है, और यहां पर भी ए हो तो इसका वैल्यू वन होता है। मीन्स इस तरीके से अगर हो लॉग एट बेस 10 और यहाँ पर भी 10 हो तो इसका वैल्यू 1 हो, तो ये दोनों अगर सेम होगा, ये और ये अगर सेम होगा, ठीक है, ये और ये अगर सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। याद रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक, याद रहना चाहिए। आ जाओ, या फिर एक और, या फिर लॉग एट बेस ए और यहाँ पे 1, तो 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। याद रहेगा ना? अब चलो आ जाओ, वेरी गुड। हमको हमी से चुड़ा लो, हम अकेले खो न जाओ, दिल में कहीं तुम बसा लो। चलो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई डीएक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, आ जाओ, पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो लेट कर लो, जब भी हम लोग बनाएंगे तो लेट वाई बराबर ई का पावर माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई का पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स? क्या होगा ध्यान से देखो, ई का पावर माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स माइनस वन बाहर आ गया इंटू ई का पावर माइनस एक्स, उससे जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशियंट अगर माइनस एक्स है तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या, तो माइनस वन इंटू एक्स, इसी तरीके से लिखा होगा ना, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या, माइनस वन। ठीक है, तो बस माइनस वन आ गया ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है। ठीक है, कॉस इनवर्स ई का पावर एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का पावर एक्स, हमने बोला y बराबर तुमको मान लेना है क्या,
जो क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ई का पावर एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉस इनवर्स ई का पावर एक्स बाई डी ई का पावर एक्स इंटू डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, याद रखना माइनस वन बाई रूट अंडर, क्या होगा माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस ई के पावर एक्स में, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स नहीं है, ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई का पावर एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपल से इसी तरीके से आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया, बस यही तो आपका आंसर है। अब मन करे तो ई के पावर एक्स स्क्वायर है ना, चलो इसको छोड़ो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, e का पावर 2x लिख दो, सिंपल सा चीज़ है ना, क्लियर है। चलो तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सब बनेगा, एक और क्वेश्चन है, y बराबर क्या है साइन लॉग x, डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स निकालोगे क्या होगा, d साइन लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स, क्योंकि साइन एक्स रहता ठीक है लेकिन लॉग एक्स है, अब चेन रूल लग रहा है ना यहाँ पे, डी लॉग एक्स ऊपर नीचे में डी एक्स, सिंपल सा चीज। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी, बताओ साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस लॉग एक्स इन टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, यही तो आपका आंसर हुआ, ठीक है, समझ आया, मजा मिला, चलो मजा मिला। आ जाओ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है वाई बराबर ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ई का पावर एक्स क्यूब, ठीक है, ये आपका सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स का पावर 5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको करना है आपको क्या, डिफ्रेंशिएट, अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो कैसे होगा डिफ्रेंशिएट, आओ करते हैं डिफरेंशिएट, डी ई के पावर एक्स बाई, अच्छा, एक बात बताओ यहाँ पे पहले इस तरीके से लिख लो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ये दोनों का डिफरेंस करेंगे बीच में डैश 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 प्लस फिर इसका डिफरेंस कर दे, नहीं ऐसा नहीं होता, आपको इसके बीच का लिखना होगा क्या, तो ये बेसिकली यही है ना, वाई बराबर ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस, अब कुछ नहीं है, मीन्स ई का पावर एक्स का पावर 5 तक जा रहा है, मीन्स ई का पावर एक्स का पावर 3 प्लस ई का पावर एक्स का पावर 4 प्लस ई का पावर एक्स का पावर 5 यहाँ तक जा रहा है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो क्या होगा, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ई का पावर एक्स क्यूब डी ई का पावर एक्स क्यूब बटे का डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स के पावर 4 बटे का डी एक्स का पावर 4, अरे यार एक्स क्यूब लिखे तो एक्स क्यूब लिखना होगा ना, चेन रूल लगा रहे हैं ना, डी एक्स क्यूब बटे का डी एक्स प्लस एक्स के पावर 4 का डी एक्स का पावर, ओ माय गॉड यार, डी ई का पावर एक्स का पावर 4 बटे का डी एक्स का पावर 4 इंटू डी
एक्स का पावर 4 बटे का डी एक्स प्लस डी ई का पावर एक्स का पावर 5 बटे का डी एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स का पावर 5 बटे का डी एक्स। इस तरीके से क्या मिला, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर है तो ई का पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो 2x को आगे लिख दो प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 3x स्क्वायर इंटू और ई का पावर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स क्यूब ही रह जाएगा ठीक है। प्लस यहाँ पे एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 एक्स का पावर क्यूब इंटू ई का पावर एक्स का पावर 4 प्लस क्या होगा एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 एक्स का पावर 4 इंटू ई का पावर एक्स का पावर 5। बस यही तो आपका आंसर है। बोलो बच्चा मजा आया, 3 लाइन में आंसर बन मिल गया ठीक है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर cos x y log x ठीक है, यहाँ कोसेंट रूल लगा दो। क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर ठीक है, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ठीक है, माइनस लॉग एक्स को छोड़ेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। यार क्या हो गया ये, कॉस एक्स का किए थे कॉस एक्स को छोड़ेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x ठीक है। इस तरीके से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स बटे का लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, बस यही तो है ठीक है। समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन आ जाओ, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है वाई बराबर लॉग कॉस ई का पावर एक्स, कॉस ई का पावर एक्स वाई बराबर लॉग कॉस ई का पावर एक्स ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी लॉग कॉस ई का पावर एक्स बटे का डी कॉस ई के पावर एक्स इंटू डी कॉस ई का पावर एक्स बटे का डी ई का पावर एक्स इंटू डी ई का पावर एक्स बटे का डी एक्स। सिंपल सा चेन रूल लगा दिया, लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह पे क्या है कॉस ई का पावर एक्स है तो कॉस ई का पावर एक्स इंटू कॉस ई के पावर एक्स का क्या होता है माइनस साइन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स होता है, सबको एक साथ कर दो क्या होगा माइनस ई का पावर एक्स इंटू साइन ई का पावर एक्स बटे का कॉस ई का पावर एक्स। ध्यान से देखो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन हो जाएगा, तो ई का माइनस ई का पावर एक्स इंटू टेन ई का पावर एक्स, सॉरी टेन इनवर्स नहीं, टेन ई का पावर एक्स, टेन ई का पावर एक्स। बस दिस इज योर आंसर, फिल आया सही है, चलो सही है ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आ जाओ। अब हम लोग मेनली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे आते हैं, अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे आते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बेसिकली है क्या, कुछ नहीं, आपको अभी हम जो बताया ना बस वही चीज आपको अप्लाई करते जाना है ठीक है। तो जैसे कि आप एक फॉर्मूला जानते हो, मान लो कि y बराबर आपको a का पावर x दिया, तो यार जानते हो ना dy बाय इसका क्या होता है, क्या होता है बताओ, तो क्या होता है बताओ, तो a का पावर x log a होता है, ये क्या होता है ए का पावर एक्स लॉग ए होता है ना ठीक है। तो बस डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा डी वाई बाई, डिफ्रेंशिएट नहीं यार, ओ माय गॉड,
लॉग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी लॉगरिथमिक डिफरेंस में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग ए का पावर एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग वाई को लॉग वाई रहने दो, इधर क्या हो जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा, ए का पावर एक्स है तो एक्स आगे आ गया, आगे आ गया, और यहाँ क्या हो गया, लॉग ए हो गया। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होता है। कैसे होता है, हमने कोर्स में बता रखा है, अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया है यार तो कोर्स जाके ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैथ्स का कोर्स का फी जो है 359 है, सिर्फ और सिर्फ 359 मैथ्स कोर्स का फी है, जो कि आपको जो है प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, महात्मा जी एडुकेटर, महात्मा जी एडुकेटर डाउनलोड कर लो, और वहां से आप जो है ज्वाइन कर लो, 359 में आपका कोर्स हो जाएगा। एंड एक और बात आपको मैं एक और बात बता दूं, 359 में कोर्स तो मैथ्स का होगा, सिर्फ किसका होगा, मैथ्स का होगा, लेकिन अगर बच्चा आप चाहते हो ना सब कोर्स को लेना, सभी कोर्स को लेना, ठीक है, मतलब सभी सब्जेक्ट के कोर्स को लेना, ठीक है, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ 500 में आप कोर्स ले सकते हो। और ये ऑफर कब तक है, तो 17 अक्टूबर तक है ये ऑफर, 17 अक्टूबर तक ये ऑफर है। 17 अक्टूबर के बाद जो है इसका फी जो है चेंज हो जाएगा, एंड इसका फी जो है 700 हो जाएगा, ठीक है, इसका फी चेंज होकर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 का अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग 500 में सभी सब्जेक्ट, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप जाके डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हो, ओके। चलो, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप मैसेज करोगे तो हम आपको देख लेंगे मैसेज को, ठीक है। चलो, क्लियर है ये चीज़। चलो, तो क्या हो गया, एक्स का डिफरेंस, अब एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लॉग ए, यार लॉग ए कांस्टेंट होता है ना, एक्स का डिफरेंसेशन डी एक्स बाई डी एक्स, इस तरीके से क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y इक्वल टू लॉग ए, ठीक है, एक्स डी एक्स बाई डी एक्स वन तो लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई उधर चला जाएगा, वाई इंटू लॉग ए, वाई का वैल्यू क्या था, एक्स एक ए का पावर एक्स था, तो बस पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, देखो ना था ना वाई बराबर, वाई बराबर था ना ए का पावर एक्स, तो बस ए का पावर एक्स पुट कर दिया, लॉग ए हो गया, बस सिंपल सा आंसर, ठीक है, क्लियर है, मजा आया, ठीक है, फील आया। आ जाओ, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y का पावर x प्लस x का पावर y प्लस x का पावर x बराबर a का पावर b, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग y का पावर x प्लस log x का पावर y प्लस log x का पावर x बराबर log a का पावर b, ठीक है, यहाँ क्या होगा, x इंटू लॉग वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा, y इंटू लॉग x हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा, x इंटू लॉग x होगा, इक्वल टू यहाँ क्या होगा, b इंटू लॉग a होगा, सिंपल है चीज, ठीक है। अब देखो यार, x इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स बराबर बी इंटू लॉग ए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो x कैसे, तो यहाँ पे आपका चेन रूल भी लगेगा और डिवाइड रूल, चेन रूल लगेगा, ठीक है, लगेगा ना सर, चेन रूल,
हाँ या ना लगेगा? बहुत लंबा जाएगा ये तो। आ जाओ, कोई बात नहीं। एक्स का डिफरेंशिएशन वन डायरेक्ट करते, एक्स का डिफरेंशिएशन वन लॉग वाई को छोड़ देंगे, प्लस लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ देंगे ठीक है, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स को छोड़ देंगे, प्लस वाई को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या वन बाई एक्स, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन इंटू लॉग एक्स को छोड़ देंगे, प्लस एक्स को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, और इधर तो आपका जीरो आ जाएगा ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉन्स्टेंट है ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म कौन सा, ये वाला बस, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, वन बाई वाई प्लस लॉग एक्स ठीक है, बाकी इधर क्या मिला प्लस ये मिला आपको लॉग वाई, लॉग वाई ये मिला आपको वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, प्लस ये क्या मिला आपको लॉग एक्स मिला, प्लस ये क्या मिला आपको वन मिला ठीक है, इक्वल टू जीरो इतना मिला आपको। इन सभी को उधर भेज दो, इन सभी को उधर भेज दो तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये सब उधर जाएगा तो माइनस लॉग वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन बटे का वन बाई वाई प्लस लॉग एक्स, बस ये आपका आंसर हो गया ठीक है। फील आया, मज़ा आया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आपका जो है ना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा बच्चा पार्टी ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, वाई बराबर क्या है, लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है क्या होगा, लॉग वाई बराबर लॉग लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉग वाई का लॉग वाई रहेगा इक्वल टू कॉस एक्स आगे आएगा इनटू लॉग लॉग एक्स ठीक है, अब क्या होगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा ठीक है, माइनस साइन एक्स होगा और क्या होगा इंटू लॉग, लॉग इंटू लॉग एक्स छूट जाएगा, लॉग इंटू लॉग एक्स उसी तरीके से रहने दो ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स को छोड़ेंगे, लॉग इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग एक्स इंटू लॉग इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंस फिर लॉग एक्स ऊपर जाएगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स ठीक है, और यह वाला वाई तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ही जाएगा इस तरीके से वाई, अब वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो बस आपका आंसर निकल गया ठीक है, तो ये तो कर सकते हो ना। चलो लॉगरिथमिक फंक्शन भी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी हमारा खत्म हुआ ठीक है, अब हम लोग आगे चलते। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद क्या आता है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसे होगा क्या होगा ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके। तो इसमें जो होता है ना आपका दो वो टर्म दिया रहता है, जैसे कि एगो तो एक्स बराबर कुछ दिया रहेगा, एगो वाई बराबर, जैसे कि एक्स बराबर आपको दिया रह सकता है एफ फंक्शन ऑफ टी,
ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टी हो, फंक्शन ऑफ जेड हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक होगा आपको एक्स बराबर जी टी, मीन्स ये भी फंक्शन ऑफ टी ही होगा, ठीक है। तो जी मतलब अलग अलग मतलब की टाइप का फंक्शन है, वेरिएबल है, ठीक। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग ले, तो एक एग्जाम्पल है, अब जब बनाएंगे ना, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ठीक है, एंड वाई बराबर दिया हुआ है ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा दिया हुआ है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी एक्स वाई, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखो, तो आपको गिवेन है एक्स बराबर ए कॉस थीटा गिवेन है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स वाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाहर डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। तो डी एक्स वाई डी थीटा क्या होगा, ए इंटू माइनस साइन थीटा, ए इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओके। एंड आगे वाई बराबर ए साइन थीटा क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का क्या होगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा बच्चा पार्टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, इस तरीके से, अब क्या होगा बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप डी वाई बाई डी थीटा बटे का डी एक्स बाई डी थीटा कर दोगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स नहीं का, डी थीटा डी थीटा कटेगा, डी वाई बाई डी एक्स ही मिलेगा। तो अगर ऐसा करोगे तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बटे का माइनस डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना, माइनस ए साइन थीटा, ए से ए खत्म, क्या बच गया, माइनस कॉट थीटा, आंसर। फील आया, मजा आया, क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी सर, क्लियर है, ओके। और क्वेश्चन कर ले हम लोग, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर एंड वाई बराबर 280, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर एंड वाई बराबर 280, ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर 280, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा इसका, आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, डी एक्स बाई डी टी होगा, डी एक्स बाई डी टी करोगे तो डी ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, इस तरीके से डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, ए इंटू 2t, ठीक है, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी बराबर 280। अब वाई बराबर बच्चा पार्टी 280 गिवेन है, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकालो, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2a कॉन्स्टेंट बाहर डी टी बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, 2a इंटू 1, डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, 2a आएगा। अगर बच्चा आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है,
अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई का वैल्यू ऊपर मीन्स डी वाई बाई डी टी टू ए बटेगा डी एक्स वाई डी टी मीन्स डी ए टी, टू से टू कट गया, ए से ए कट गया, मीन्स आपको डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 1/T आया, बस यही आपका आंसर है, फिल है। तो इसी तरीके से आपका जो है ना ये क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो अब आई थिंक क्या बना लोगे, कुछ है नहीं, आपको जो दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमारा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आगे हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओह माय गॉड, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, कुछ नहीं, डिग्री टू होता है, मीन्स से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया फिर से उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। क्या बोले, एक बार डिफ्रेंशिएट किया फिर से उसका क्या किया, दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। जैसे कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है, वाई बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, वाई बराबर एक्स दिया, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स, लेकिन अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे मीन्स डी वाई बाई डी एक्स में, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है कि डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, तो डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, होगा ना। तो मीन्स यहाँ पे डी टू दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश एक्स है, तो अब क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। ठीक है, समझ आया, बोलो क्लियर है। ठीक है, समझ आ गया, ओके बच्चा बेटी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये आपका हो गया, ठीक, यही होता है। क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। लेट सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड ओम शंकर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक। और आपको दिया हुआ क्या है, इफ वाई बराबर एक्स क्यू प्लस टेन एक्स, एक्स क्यू प्लस टेन एक्स, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस टेन एक्स आपको गिवेन, ठीक है। तो जब ये गिवेन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस टेन एक्स जब ये गिवेन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आपको गिवेन क्या है, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस टेन एक्स, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्या होगा, एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स का क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स होगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टू सेक एक्स, टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस। तो फाइनल भाई साहब क्या आया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका, तो सिक्स एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, बस सिंपल सा चीज, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कर ले क्या, आ जाओ, एक और क्वेश्चन है, वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
ठीक है, माइनस बी, क्योंकि माइनस है ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आ गया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इतना ही आपका आंसर होगा। जो कि किसके बराबर है तो ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देखो ना ये यही चीज़ है ना, बी वाई के बराबर है तो माइनस वाई के बराबर होगा, बस प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। ओके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपका पैरामेट्रिक फॉर्म भी खत्म हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे रॉस थ्योरम पे। मीन वैल्यू एंड रॉस थ्योरम, रॉस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू एंड रॉस थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू और रॉस थ्योरम पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो 5 5 मिनट का आपको हम ब्रेक देते हैं, 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलता है इसमें। ठीक, फिर हम लोग मीन वैल्यू और रॉस थ्योरम पे चलेंगे, फिर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। यार कितना मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन एक दिन में खत्म, इनवर्स ज्योमेट्रिक खत्म, ठीक, इंटीग्रेशन भी खत्म करेंगे, फिर वेक्टर भी खत्म करेंगे, और फिर हम लोग किसको खत्म करेंगे तो वो वाला चैप्टर, वेक्टर के बाद कौन सा चैप्टर है यार, कौन सा चैप्टर है पता नहीं क्या था, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलो हम आते हैं 5 मिनट के ब्रेक में।
वाह, तो बच्चा पार्टी हम लोग आ गए हैं फिर से ब्रेक के बाद। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम याद है आपको कुछ? कैसे होगा रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम? तो यार मीन वैल्यू थ्योरम तो आसान है। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक, आ जाओ। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फॉर्मूला होता है क्या होगा? एफ डैश सी, याद रखना, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे का बी माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ए और बी क्या होता है? तो ए का ए मतलब कि आपको पॉइंट दिया जाता है। ए और बी क्या है? बेसिकली आपका पॉइंट है, ए कॉमा बी, इस तरीके से पॉइंट दिया। तो आपको फंक्शन गिवेन रहता है, उस फंक्शन से आपको एफ ए निकालना होता है, एफ बी निकालना होता है, फिर एफ डैश सी, तो अपने आप फॉर्मूला लगा के निकल ही जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? चलो, जैसे कि क्वेश्चन है क्या इस पे? क्वेश्चन है क्या? ये तो वेरीफाइड ऑसम है, वेरीफाइड मीन वैल्यू। ठीक है, चलो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3। ठीक है, ये आपको गिवन है। इन द इंटरवल ए कॉमा बी वेयर ए इक्वल टू 1, क्या बोल रहा है? इन द इंटरवल, इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, इन द इंटरवल ए कॉमा बी वेयर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4, ये गिवन है। तो यार फंक्शन आपको क्या गिवन है ये देखो, फंक्शन आपको क्या गिवन है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3 गिवन है ना। चलो, तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे? सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला में आपको किसका जरूरत है? एफ ए का जरूरत है। आपको फॉर्मूला में किसका जरूरत है? एफ ए का जरूरत है। एफ ए फाइंड कर लो, क्या होगा एफ ए? तो पुट पुट कर लो ना एफ एक्स में ए, तो मिल जाएगा पुट। ओ माय गॉड यार, क्या हो रहा है ये? पुट एक्स बराबर ए, एक्स के बराबर ए पुट कर देंगे, तो एफ ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4a-3। ठीक है, एफ ए हो जाएगा। अब एफ ए का भी वैल्यू तो पता है ना हमको, 1 पता है, तो एफ 1 निकालना होगा। एफ 1 बराबर कितना? ए स्क्वायर, ए का वैल्यू पता है, तो एफ 1, एफ 1 मीन्स ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और ये एफ 1 क्या है? बेसिकली एफ ए के बराबर है, तो एफ ए बराबर एफ 1 बराबर ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a-3। तो यार एफ 1 कितना आया? 4 3 7 में से एक जाएगा, 6 माइनस 6 आ गया। एफ 1 कितना आया? -4। ठीक है, अब देखो F1 आ गया। अब अगर पुट करोगे उसी फंक्शन में x बराबर b, तो क्या मिलेगा? एफ बी मिलेगा। तो एफ बी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4b-3। तो F4 बराबर कितना होगा? 16-16-3, 16 से 16 खत्म होगा, तो F4 कितना होगा? -3 होगा। और ये बेसिकली क्या है? तो एफ बी है। ये बेसिकली किसके बराबर है? तो एफ बी के बराबर है ना।
बस याद रखना, ठीक है। तो हमको एफ ए पता चल गया, एफ बी पता चल गया, अब बी और ए पता ही है, तो एफ डैश सी पता नहीं कर सकते, कैसे पता करेंगे? एफ डैश सी बोल रहा है पता करने, ठीक है, तो कैसे वो एफ डैश सी कैसे वो, एक मिनट यार, मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ फॉर्मूला अलग से है क्या? यार मैराथन क्लास कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है मैराथन? मैराथन में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो अब हमको चाहिए क्या? एफ डैश सी चाहिए, एफ डैश सी चाहिए। तो एफ डैश सी के लिए आपको क्या हुआ? एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ये दिया ना, देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -3 दिया है ना, चलो -3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x -3 दिया। अब एफ डैश एक्स निकाल लो यार आप, एफ डैश एक्स कितना होगा? 2x -4 होगा, ठीक है, ठीक है। अब पुट कर दो एक्स बराबर सी, एक्स के बराबर सी पुट कर दो तो क्या होगा? एफ डैश सी बराबर क्या होगा? जहां जहां एक्स है वहां वहां सी, मीन्स 2c-4, ठीक है। अब तो आपको फॉर्मूला पता है ना, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, है ना, एफ बी माइनस एफ ए, है ना, एफ बी माइनस एफ ए बटे का बी माइनस ए। एफ डैश सी पता है क्या? 2c-4, तो 2c-4, अब यही सी का वैल्यू हमको निकालना है। एफ बी पता है क्या? एफ बी का वैल्यू तो एफ बी यही ना, -3, तो -3 डाल दो, -3 माइनस एफ ए का वैल्यू पता है क्या? एफ ए -6 पता है ना, एफ ए ही ना -6 है, -6। बी पता है क्या? बी माइनस ए, तो बी पता है क्या? हाँ यहाँ तो पता था ना, B4 और a-1, तो 4-1 यहाँ पे हो गया, 4-1, तो क्या आया यहाँ पे? 2c-4 इक्वल टू क्या आएगा? 3+6 -3+6, अरे यहाँ पे तो क्या हो गया? 2c-4 बराबर 3/3, 1, ठीक है, तो क्या हो गया? 2c-4 बराबर 1+4, क्या होगा बच्चे? 2c बराबर 5 होगा, तो c बराबर क्या हुआ? 5/2, बस यही तो हमको निकालना था। अब पॉइंट में भी लिख सकते हो c बराबर कितना, 2.5। बोलो बच्चा फील आया, मजा आया? बस यही है हमारा बेसिकली क्या, तो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम तो आसान है ना, आसान। आ जाओ एक और क्वेश्चन कर ले मीन वैल्यू थ्योरम पे, आ जाओ कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे एक और क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको x³ - 5x² -3x, x³ - 5x² - 3x, यह आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ, ठीक है। और ए बराबर आपको दिया हुआ कितना? 1, एंड बी बराबर आपको दिया हुआ है 3, ए बराबर 1 एंड बी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है, आ जाओ सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। एफ ए बराबर ए का वैल्यू कितना? तो 1, तो f1 बराबर कितना? 1³ - 5 × 1² - 3 × 1, कितना आएगा? तो 1 - 5 - 3 - 7, ठीक है। एफ बी बराबर f³ = 3³ - 5 × 3² - 3 × 3, ठीक है, 27।
माइनस थ्री थ्री नाइन, नाइन टू जो 45 माइनस थ्री थ्री नाइन, ठीक है क्या आ गया 45.9 कितना हो गया यार बताओ, 54। तो 54 में से 27 जाए कितना होगा, 14 में से 7 या 7, और ये 27 माइनस 27 आया, एफ बी भी आ गया। ठीक है अब आप निकाल लो एफ डैश एक्स, तभी ना एफ एफ एक्स निकलेगा, एफ डैश एक्स 3x3x3 का क्या होगा 3x2, और फिर 5x2 का क्या होगा -10x, -10x और फिर -3x का क्या होगा -3 होगा। ठीक है अब एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश सी कितना होगा 3c2 -10c माइनस, ठीक है 3 स्क्वायर -10c -3। अब 3c2 -10c -3 बराबर क्या करो, बराबर क्या करोगे, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एफ ए सॉरी एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, मीन्स 3c2 -10c -3 बराबर एफ बी कितना था यार, एफ बी -27 माइनस एफ ए कितना था, एफ ए -7 बटेगा बी कितना था 3 और ए कितना था 1, 3 माइनस क्या हो जाएगा -7 34/2 क्या आएगा 17 आया, मीन्स क्या आया -17 आया। ठीक है मीन्स क्या 3c2 -10c ये वाला 17 इधर आएगा, तो -3 + 17 बराबर 0, तो 3c2 -10c + 14 बराबर 0। अब क्या होगा, अब तो यहाँ फंस गया ना, 3c2 -10c ठीक है +14 बराबर 0 कैसे होगा, कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई, पॉइंट ये ना फाइव पॉइंट एट का फाइव नंबर क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे थ्री सी एक्स का कहाँ जाएगा -3x, और पता है सॉल्यूशन में गड़बड़ी देता है, ये क्या कर दिया आंसर 5.8 का आंसर यार नहीं दिया हुआ, वेरीफाई करना है तो आंसर कौन से दिया हुआ है, ये तो गड़बड़ घोटालो हो गए यार, गड़बड़ घोटालो थ्री सी स्क्वायर
अच्छा सी का वैल्यू 1 और 3 डालना है ना। चलो यहाँ पे जो है ना आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है आपको तो पता ही है। एंड उसके बाद जो है आप क्या करना, सी का वैल्यू डालना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ खत्म, अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन, हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आ जाओ, इंटीग्रेशन पे हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, देन हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्या बोले, इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग करेंगे, फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे जैसे कि पता है इंटीग्रेशन में क्या है फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 1 एक्स का पावर एन डीएक्स क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाता है एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस का सी, प्लस का सी लिखना एकदम जरूरी है, ठीक है। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डीएक्स क्या होगा, ई का पावर एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, तो ए का पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस का सी। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स होगा। पता है इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव का उल्टा, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला, साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगला, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आया इतना। अब आगे सेवेंथ नंबर में क्या, तो टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होगा। आठवां, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी ना, या फिर माइनस लॉग, ओ माय गॉड, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला नाइन नंबर क्या होगा, सेक एक्स प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग
sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, और प्लस का सी, ये तो होगा ही होगा, या फिर एक और फॉर्मूला इसमें बोल सकते हो क्या, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस का सी। ओके, एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कॉसेक एक्स डीएक्स क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है, ये होगा अगला 11 नंबर। हाँ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। अगला कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। अगला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। अगला क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी एक्स क्या होगा, तो यार याद करो डेरिवेटिव किसका होता था, साइन वर्स एक्स का होता था, साइन वर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यार बस फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगला 18 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स होगा प्लस का सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा ये सब चीज़ें। और कुछ फार्मूला नहीं, और कुछ फार्मूला जब हम लोग सीखेंगे, आगे सीखेंगे, ठीक है। तो टोटल इतने फार्मूला जो हमने आपको दिए हैं, इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे यार, जो भी मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ना, टोटल जितने भी पेज पढ़ाऊंगा वो सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। मन करे तो उस पीडीएफ को निकलवा के एग्जाम में चले जाना, पक्का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन ऐसा करना मत, ठीक है। चलो, तो क्या करते हैं ना, आप लोगों को ये बाउंस करने लगेगा, अब ज़्यादातर आपको बाउंस करने लगेगा, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन पे आए हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको कब मिलेगा, तो 14 अक्टूबर को आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आज वाला वीडियो आज तो मिल ही जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको 14 अक्टूबर को मिल जाएगा, ठीक है। 14 अक्टूबर को आप लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेना, जिसमें आपका इंटीग्रेशन होगा, प्लस में आपका वेक्टर होगा, प्लस में आपका एलपीपी होगा, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो, बेसिकली आपका आईटीएफ एक बड़ा सा चैप्टर था, आईटीएफ बड़ा सा चैप्टर था, डिफरेंशिएशन बाप रे बाप
सबसे भारी चैप्टर डिफरेंशिएशन कवर किए हम लोगों ने। इंटीग्रेशन का समझो कि आधा खत्म ही है, ठीक है। वेक्टर बचा है और एलपीपी बचा है और इंटीग्रेशन का बचा हुआ है। तो वेक्टर आसान है, एलपीपी आसान है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कवर हो जाए। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, इस चैप्टर को पढ़ के आप 60 मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कितना? 60+ नहीं, 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स में तुमको अगर सेंट अप एग्जाम में कुछ नहीं आता है तब, ठीक है। चलो तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके।